आप लोग देख लीजिए। मैं टमाटर, मैंने दो टमाटर लिया, दो शिमला मिर्चा लिया, ये ग्रीन था पर रखे रखे ये रेड हो गया, ये रेड शिमला मिर्चा नहीं है, पर मैंने सोचा पकोड़े में तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना। चलिए मैं इसके अंदर का जो पल्प है उसको निकालूंगी, इसको क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग के संग। ये देखिए मैंने इन सबको क्लीन कर लिया है और इसका जो पल्प पल्प निकला है ये आप फेंकिएगा नहीं, या फिर कोई चटनी में डाल दे या ग्रेवी में डाल दे। और आइए अब बेसन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार ही मिर्चा, और मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी। बेकिंग सोडा ना मिलाए, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर मिलाए। और ये वेजिटेबल्स ऑयल है जो कि मैं दो चम्मच लाऊंगी, और एक मोटा सा मतलब गाढ़ा एक इसका बैटर मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको मैं एक गाढ़ा बैटर मैं बना के तैयार करूंगी, जो कि मैं थोड़े थोड़े पानी के संग इसका बैटर मैं बनाऊंगी। आप लोग देख लीजिए इतना गाढ़ा हमें चाहिए, इतना गाढ़ा ज़रूर बनाइएगा, ना इससे पतला ना इससे मोटा, थोड़े थोड़े पानी के संग कीजिएगा, आप लोग भी संभाल के कर सकोगे। चलिए अब हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मज़े की बात यह है कि इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है, बस मैंने एक चम्मच रिफाइंड ऑयल दिया है और तड़के में ये सरसों जा रहा है, थोड़ा सा चटक जाए। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मैंने बड़ा तीन आलू लिया है और जो कि मैंने हाथ से ही इसे मैश किया हुआ है, इन्हें मैं इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार थोड़ा सा ये स्वाद अनुसार नहीं, थोड़ा सा हल्दी इसमें डालेंगे। लगभग मैंने आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाला है और नमक स्वाद अनुसार डालें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बेसन में भी हल्दी पर नमक पड़ा हुआ है, और पकौड़ा थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है। ये देख लीजिए मैंने छोटा एक चम्मच मैंने डाला है, और ये रहा अमचूर पाउडर, इन्हें भी थोड़ा सा डाल दें। और अब इसे अब इस समय कुछ नहीं करना है, इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। और मैंने अमचूर पाउडर भी आप लोग ने ध्यान दिया होगा मैंने छोटा एक आधी चम्मच मैंने डाला है, एक चम्मच मैंने भर के नहीं डाला है। इन्हें अच्छे से फ्राई ज़रूर करें, जितना चटपटा बनाएंगे अंदर की स्टफिंग उतनी अच्छी रहेगी, पर चॉइस अपनी है। और इसी समय मैं धनिया को भी मिला दूंगी, मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, इसी समय मिलाए तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप लोग अगर प्याज लहसुन से बनाना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं, पर मैं इन्हें पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी बना रही हूँ कि जो प्याज लहसुन नहीं खाता वो भी खा सकेगा, है ना। चलिए अच्छे से इनको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, बस इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो स्टफिंग टमाटर में स्टफ करने में हमें भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। चलिए अब हम लोग इसको स्टफ कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया कि मैं इसमें हाथ रख सकती हूँ। चलिए अच्छे से अंदर से स्टफिंग कीजिएगा। ये देख सकते हैं मैंने स्टफिंग अच्छे से मैंने इसको भर लिया है, और पूरा उंगली से डाल डाल के अंदर तक ज़रूर भरिएगा। चलिए अब इन्हें हम लोग बढ़िया सा पकोड़ा बनाते हैं। देखिए पकोड़ा बनाने के लिए तेल की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैंने तेल कितना डाला आप लोग देख लीजिए। चलिए तेल गर्म भी हो गया है, इस तरह हम डिप करेंगे, इसलिए मैं कह रही थी कि बेसन जो है घोल खूब गाढ़ा सा बनाइएगा। चलिए आइए कढ़ाई में इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा बेसन इसके ऊपर से ज़रूर डाल दें। बस मुझे इसी तरह सारे पकौड़े बनाने हैं। थोड़ा सा हल्के हाथों से इन्हें थोड़ा फ्राई कर दें।
अरे छाड़ वाड़ आगे देखा ना चलो ना अब क्यों कर देंगे इसका देख लो ठीक है छेड़े तू तो शिमला मिर्च बो जाए जाते आरो बो जाए चले गलो पीछे वाला फटे गलो। ये रहा आप लोग के लिए शिमला मिर्चा और टमाटर का पकौड़ा। आप लोग सोच रहे ये भला क्या है, ये जानते क्या है इसको, मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये जो स्टफिंग वाली आलू बची थी उसी से मैंने इसको वड़ा बना लिया। क्यों रखते जी, बेसन भी बचा आलू भी बचा बना लिया। और अब आइए इन्हें टमाटर को हम लोग काट के देख लेते हैं कैसा अंदर तक कुक हुआ है। ये देखिए स्टफिंग अच्छे से भरेंगे तो अच्छे से आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और चलिए शिमला मिर्चा को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कैसा हुआ है। बहुत अच्छी, एक छोटी मोटी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग तो हमेशा बच्चों के संग अच्छी छोटी मोटी पार्टी ऐसे बनी जाती है, ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी एंजॉय करना पड़े, घर में भी पार्टी बन सकती है। और मैं इसको सर्व करती हूँ थोड़े से चाट मसाले के संग तो और भी स्वादिष्ट बनता है। खैर ज़रूर बनाइए घर पर। और मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ, आज के लिए बाय।